मुंगेर संग्रामपुर थाना पुलिस और एटीएफ ने हथियारों की तस्करी कर रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला को भी पकड़ा है जिसके पास से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस मामले का तब खुलासा हुआ जब एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में से लोग पकड़े गए। जांच के दौरान 45 वर्षीय महिला साधना देवी और 55 वर्षीय पुरुष रंजीत मंडल के पास से बरामद थैले में से हथियारों की बरामदगी हुई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि तलाशी के दौरान थैले के अंदर भारी मात्रा में हथियार पाया गया है। गिरफ्तार किए गए हथियार तस्कर में एक नौगछिया सहू परबत्ता की साधना देवी और खगड़िया परबत्ता निवासी रंजीत मंडल हैं। आज दिनांक 25/2/2018 के आधार पर संग्रामपुर थाना की पुलिस एवं एसटीएफ के सहयोग से संग्रामपुर बाजार में हत्या तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक परबत्ता जिला खगड़िया के रंजीत मंडल है और दूसरे साधना देवी के दोनों हत्या की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से 13 पिस्टल, 13 अतिरिक्त मैगजीन, 100 राउंड की गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इसका आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी पहले रहा? इनका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है, अभी तत्काल के लिए पता नहीं है कि इनका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। बता दें कि महिला की आड़ में हथियार लेकर इसकी सप्लाई ये लोग कर रहे थे। इसकी गहनता से छानबीन की जा रही है, साथ ही पुलिस हथियार तस्कर का तार कहां से जुड़ा है इसकी तलाशी भी कर रही है। मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।